गन्ना की बुआई शरतकालीन फसली खेती करते हैं जिसमें हमें अच्छा बेनिफिट रहता है। ट्रेंच, हाँ ट्रंच विधि से बुआई की जाती है जिसमें अरहर है, गन्ना है, सरसों है, चना है, मटर है और आलू की खेती भी हम फसली में करते हैं गन्ने के साथ साथ। इसमें आपको क्या फ़ायदा मिलता है इसमें ट्रेंच और फसली खेती करते हैं तो? जो है मतलब यह है कि वो गन्ने की लागत सब ये फसली के साथ हमको प्राप्त हो जाता है, गन्ना हमारी फ्री हो जाती है। कितना उपज ले लेते हैं? अब 1000 प्रति हेक्टेयर से, लगभग 1000 प्रति हेक्टेयर, 900 कुंटल प्रति हेक्टेयर आ ही जाता है। तो मतलब ट्रेंच विधि और सफसली खेती करने के लिए किसानों को क्या सुझाव देंगे आप? जो है भाई आप लोग जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप लोग करिए, टंच हमारे पास है, आप हमसे टंच ले जाइए और ऐसे खेती करिए। आपके यहाँ से कौन कौन लोग ट्रेंच विधि से मशीन लेकर गए हुए हैं? अब जैसे ये मंगवाए थे सूबेदार भाई अपने गांव में लोगों से बुआए हैं, हमारे यहाँ असलम है, हमारे पड़ोसी हैं उनका, जिनके ट्रैक्टर से हम खेती जुताई करते हैं वो ले आए, भानु यादव ताजुक हुए ट्रंच बदलापुर। ट्रेंच विधि में कितना फीट की दूरी रखते हैं आप जो है? अब इस समय हम 90 सेंटीमीटर दूरी में स्पेस देते हैं, 90 सेंटीमीटर ठीक है, बताते थे लोग 1 मीटर जी, लेकिन हम दे रहे हैं। इसमें के दूरी कितनी रखती है फीट में? जी फीट में 3 फीट रखते हैं, 4 फीट रखते हैं? नहीं, तीन फीट दूरी रखते हैं। ये गन्ने की कौन कौन सी प्रजाति आप? CO 218 CO 238 और एक यह है 14000।